तो कानूनी हेल्पलाइन में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आज हम बात करेंगे FIR से जुड़े आपके अधिकार की। पुलिस थाने से हर आदमी का पाला कभी ना कभी जरूर पड़ता है, लेकिन कम जानकारी और कानूनी पहलुओं की अनदेखी से आपका केस मजबूत होते हुए भी कमजोर हो जाता है। अगर आप भी कोई जानकारी चाहते हैं तो हम स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कानूनी एक्सपर्ट सीनियर एडवोकेट राजीव शर्मा जी। बहुत स्वागत आपका राजीव जी। तो राजीव जी, शो के दौरान आपके सवालों के जवाब देंगे और शो को हम आगे बढ़ाएं, उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। आज के वक्त में लोगों की ये शिकायतें आम हो गई हैं कि पुलिस उनकी शिकायत नहीं लेती या FIR दर्ज नहीं करती। अगर शिकायत ले भी ली और FIR दर्ज भी कर ली तो उस पर कार्रवाई नहीं करती। ऐसे में ये जानने की जरूरत है कि FIR दर्ज कराने के लिए क्या कानूनी पहलू हैं। FIR की ये प्रक्रिया भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत होती है। कोई भी FIR संज्ञेय अपराधों के लिए लिखी जाती है। ऐसे संज्ञेय अपराध की परिभाषा को समझना जरूरी है। देशद्रोह, घातक हथियारों से लैस होकर अपराध करना, लोक सेवक द्वारा रिश्वत मामला, बलात्कार, हत्या, अपहरण। आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी CRPC में संज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी के लिए पुलिस को किसी वारंट की जरूरत नहीं होती। आप किस क्षमता में जानकारी दे रहे हैं, अपराध का दोषी कौन है, अपराध किसके खिलाफ किया गया है, अपराध होने का समय क्या था, अपराध कौन सी जगह पर हुआ, अपराध किस तरीके से हुआ, अपराध के समय कोई गवाह थे, अपराध से होने वाला नुकसान। ये सभी प्रक्रिया होने पर शिकायत को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद उस पर दस्तखत करें। अगर थाना प्रमुख आपकी शिकायत की FIR दर्ज नहीं करता है या मना करता है तो आप अपनी शिकायत रजिस्टर्ड डाक के जरिए क्षेत्रीय पुलिस उपायुक्त को भेज सकते हैं। उपायुक्त आपकी शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। मैजिस्ट्रेट के आदेश पर भी पुलिस अधिकारी समय पर शिकायत दर्ज नहीं करता है या फिर FIR की कॉपी उपलब्ध नहीं करवाता तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई और जेल भी हो सकती है। तो और बारीकी से हम जानेंगे इस रिपोर्ट के अलावा भी कि क्या हैं आपके अधिकार FIR को लेकर, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ इस वक्त शो पर एक कॉलर जुड़ गए हैं। उनके कॉल से हम शो की शुरुआत करते हैं। मथुरा से धर्मवीर सिंह जी हैं जो कुछ जानना चाहते हैं, बताइए धर्मवीर जी। हमारा उच्च न्यायालय में इलाहाबाद में हर विचाराधीन मामला है, जबकि हमारा कोई दोष भी नहीं है उसमें। जिलाधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी दोनों ने अलग अलग हमारी नियुक्ति को जिला कार्यक्रम अधिकारी कह रही है कि तुम्हारी नियुक्ति सात वार्ड हुई है, और जिलाधिकारी कह रहे तुम्हारी नियुक्ति सात वार्ड के 9 वार्ड में हुई है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने प्रतिपूर्ण नोट शीट चलाकर अनुमोदन प्राप्त किया है वार्ड के लिए। हम तो हमारा कोर्ट में विचार है, पर जो दोषी बनाए जिलाधिकारी ने उनके खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हो पा रही है। हम हमारी तरफ से उनकी FIR हो सकती है। राजीव जी, इनकी बात को साफ समझ में नहीं आ रही है, किसके खिलाफ FIR चाह रहे हैं? अधिकारी के खिलाफ चाह रहे हैं, किसी और के खिलाफ चाह रहे हैं? हम अधिकारी के खिलाफ चाह रहे हैं सर। अधिकारी के खिलाफ FIR क्यों चाह रहे हैं आप? हम अधिकारी के खिलाफ इसलिए चाह रहे हैं, हमारा 1 साल तक मानदेय मिला, हमने 9 वार्ड में नियुक्ति की है, 9 वार्ड का आवेदन किया, 9 वार्ड में नियुक्ति पत्र मिला, उसके बाद 1 साल तक मानदेय मिला, और इन्होंने सबकी हमारे पास बहुत सी तहसील दिवस की जांच है हमारे पास, सब में सबका अलग अलग जवाब है, और नियुक्ति को जिला कार्यक्रम अधिकारी बता रहे हैं 7 वार्ड के सापेक्ष हुई है, और जिलाधिकारी बता रहे हैं 9 वार्ड में हुई है। अगर आपके किसी जिलाधिकारी से या किसी नियुक्ति का मामला है इनका, या किसी आप इनसे सैटिस्फाइड नहीं है, या आपको लगता है कि अधिकारियों ने आपके खिलाफ गलत कार्रवाई की है, या आपको इन्होंने जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं की है, मिसगाइड किया, तो उसके खिलाफ आप एक तरीके से पूरे सबूत और पूरे फैक्ट्स लिखते हुए डिपार्टमेंट में पहले शिकायत करें, उनकी विजिलेंस में शिकायत करें, और अगर डिपार्टमेंट अपने उनको इन्वेस्टिगेशन के बाद कार्रवाई करेगा, अगर बाय चांस अगर आप वहां पे भी सेटिस्फाइड नहीं है तब आप उसके आधार पर इन अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, आप इनके खिलाफ भी कंप्लेंट दे सकते हैं। अगर कोर्ट को लगेगा कि ये अधिकारी दोषी है तो वो जरूर इनके खिलाफ कार्रवाई करेगा, पर आपके पास पक्के सबूत और जो आपका जो जो बात करने का जो अपना वो है आपका वो तरीके से होना चाहिए और मैं सबूत होना चाहिए। ठीक है, दिल्ली से अमित जी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। अमित जी, क्या सवाल है आपका? अमित जी बताइए। हेलो।
हेलो जी बताएं। तो मैडम ये आप पता चल गई डिटेल आपको, मैं अभी जो बताई मैंने जी, अभी जो बताई डिटेल, क्या डिटेल बताई आपने? एक मेरे फ्रेंड ने क्रेडिट कार्ड से, मेरे क्रेडिट कार्ड से दो आईफोन लिए थे, उसके फोन के बिल मेरे नाम से हैं, जो उसने फोन मोबाइल फोन परचेज किए थे, ठीक है। अभी वो हमारे पैसे नहीं दे रहा, काफी टाइम हो गया है, तो उससे क्या मैं कोई लीगल एक्शन हो सकता है? क्या हो सकता है राजीव जी? मतलब मोबाइल बिल आपने लिए, मोबाइल दो लिए थे क्रेडिट कार्ड से जी, तो आपको पैसे किससे लेने हैं? जिसने वो लिए है, मेरे फ्रेंड ने, जो इनके दोस्त ने, इनके क्रेडिट आपके दोस्त ने आपके क्रेडिट कार्ड से दो मोबाइल फोन ले लिए और आपको पैसे नहीं दिए जी, तो वो आप उसके खिलाफ एक कंप्लेंट लिख के दे दीजिए कि आपके दोस्त ने धोखाधड़ी करी है, और पूरे फैक्ट्स लिख के दे दीजिए पुलिस में, और जो आपके फैक्ट्स जेन्युइन होंगे, अगर उसमें किसी अपराध का होना पाया जाएगा पुलिस इंक्वायरी करके, और पुलिस पहले भी उस पर कार्रवाई कर सकती है, और उसके खिलाफ कोई अपराध होना पाया जाएगा तो FIR दर्ज कर लेगी। ठीक है, महेश अग्रवाल जी इस वक्त बहादुरगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बताइए महेश जी। मैम हमने ना एक KBCL नाम की कंपनी में ये फंड का वो खाता खुलवाया था, तो FIR करवाने, मतलब उन्होंने पैसा देने से इनकार कर दिया, फिर हमने ना थाने में कंप्लेंट करवाई, तो उन्होंने FIR दर्ज भी करी। उसके बाद हम जज्जर कोर्ट में हमने वो केस फाइल कर दिया मैम, जज्जर कोर्ट में केस फाइल होने के बाद हमारे मतलब केस जीत गए, जब तक वो कंपनी बंद हो चुकी थी मैम। ठीक है, तो अब हम जो केस जीते हैं तो अब हम किसके पास मतलब अपील करें कि हमें वो पैसा रिफंड मिल जाए, 1,00,000 रुपए के लगभग हमारी पेमेंट बनती है। क्या आपने केस कोई दीवानी केस किया था या आपने कोई क्रिमिनल कंप्लेंट डाली थी? अगर आपने हमने ये जो है ना हमारे पैसे के अगेंस्ट कंप्लेंट डाली थी। कंप्लेंट कौन सी थी? हमारे जो पैसा रिफंड किया जाए, जो हमारा मैच्योरिटी हो चुकी है, हाँ जी, उसके तो कोर्ट ने केस का वो कराया कि इनके पैसे लौटाए जाए पूरे, और 4,000 रुपए उसका वो भी दिया जाए। तो आपका इसका मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ, तो दीवानी का आपने कंप्लेंट की थी, जिसमें आपको कोर्ट ने अधिकार वो दिया है, आदेश दिया है कि आपके पैसे लौटाए जाए। अगर वो कंपनी नहीं है, कंपनी चली गई है, कहीं आसपास भाग गए हैं, तो कंपनी तो आप अपने वकील के मार्फत उसकी कंपनी के जो भी वो हैं ऑफिस है, उसका जो एसेट्स है, उनको अटैच करवा सकते हैं, उसके खिलाफ डिक्री ले सकते हैं, और कंपनी को अधिकारियों का पता कर वो डिक्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है राजीव जी, यहाँ पर जो बात हो रही है ये तो ये हो रही है कि हम FIR कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, लेकिन एक बड़ी कॉमन सी आम सी शिकायत है जो लोगों से सुनने को मिलती है, वो ये कि आपने FIR दर्ज करवाने की कोशिश की और पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की, लॉज नहीं की, ऐसा क्यों होता है? देखिए काफ़ी हद तक पुलिस के पास जब कंप्लेंट जाती है उसमें कंप्लेंट 50% केसेस में इतनी कमजोर होती है कि उसमें कोई अपराध का बंदा नहीं पाया जाता। अगर आप कंप्लेंट रैंडम लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, कोई अपराध का होना नहीं पाया जाएगा, तो पुलिस भी कोई कार्रवाई करने में ज्यादा सक्षम नहीं रहेगी। पर कई बार ऐसा होता है कि पुलिस जानबूझकर भी कार्रवाई नहीं करती है, वो इसलिए नहीं करते कि वो अपना बर्डन लेना नहीं चाहती है या अपने थाने क्षेत्र में अपने अपराध संख्या को कम दिखाना चाहती है, पुलिस इसलिए भी कई बार एक्शन नहीं लेती। अगर ऐसा है तो आप पुलिस के में अपनी कंप्लेंट दीजिए, अगर पुलिस कंप्लेंट पर कार्रवाई नहीं करती तो उसको जो अधिकारी हैं, उपायुक्त है जैसे आपने बताया, आप उनके पास जा सकते हैं, उन पर अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, पहले मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जो FIR दर्ज नहीं होती है उसमें कोई क्या कर सकता है? जैसे बहुत सारे अपराध इस श्रेणी में आते हैं जिसमें FIR तुरंत दर्ज होनी चाहिए, उसमें भी अगर पुलिस हीलावाली करती है तो मतलब कैसे आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि पुलिस आपकी FIR दर्ज ही करे? वो उसके सबसे बड़ी इमीडिएट दो काम कर सकते हैं आप। एक तो आप रजिस्टर्ड पोस्ट से, रजिस्टर्ड कंप्लेंट से, जो जिले के जो इनका सुपरिटेंडेंट पुलिस है उसमें आप कंप्लेंट दे सकते हैं फटाफट, ताकि और वहां पर सुनवाई करा सकते हैं, और जिला सुपरिटेंडेंट को लगेगा तो वो इमीडिएटली कार्रवाई करते हैं। अगर उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती तो 156(3) का एक प्रोसीजर है CRPC में, आप उसके तहत तुरंत कंप्लेंट कोर्ट में दीजिए, मजिस्ट्रेट के पास लिखिए और बताइए कि हमारा ये कंप्लेंट है और इस कंप्लेंट पर कार्रवाई नहीं हुई है, और मजिस्ट्रेट को सुनवाई करने के बाद लगता है कि आपका जो कंप्लेंट है जायज है और से अपराध का होना पाया जाता है, तो कोर्ट ऑर्डर करेगी और उसमें पुलिस को FIR दर्ज करनी पड़ेगी। लीगली आप FIR किसको कहते हैं, मैं ये भी समझना चाहती हूँ। आप गए, आपने लिख के कंप्लेंट दे दी, एक लिखित खाली शिकायत में और FIR में फर्क क्या होता है? बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता। सबसे बड़ी बात है कि FIR का मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पुलिस के पास जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन आती है किसी अपराध के होने के लिए उसको FIR कहा जाता है। सबसे पहले पुलिस को आप लिखित कंप्लेंट देते हैं, लोग उसमें कई बार मिसकंसेप्शन कर लेते हैं हमारी FIR होगी है, पुलिस कंप्लेंट आपकी रिसीव कर लेती है, लेकिन पुलिस का एक FIR आपको रिसीविंग देती है,
पुलिस का रिसीविंग लेना आपका अधिकार है, हाँ। पुलिस अगर नहीं दे तो आप शिकायत कर सकते हैं। दिल्ली वगैरह, दिल्ली है, बॉम्बे है, वहाँ पुलिस रिसीविंग देती है, हाँ। पर कई इंडिया के रिमोट एरिया में ये फैक्ट है कि पुलिस रिसीविंग भी नहीं देती है। तो जैसे आप हरियाणा चले जाइए, पंजाब चले जाइए, आज भी रिसीविंग नहीं देंगे वो आपको, वो लेकर रख लेंगे कंप्लेंट को आपको। लेकिन जब अगर पुलिस आपकी इस पर कोई कार्रवाई, जैसे कंप्लेंट मिलती है तो वो अपना एक परफॉर्मा होता है जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है, उस परफॉर्मा में बाकायदा उसका नंबर लिखा जाएगा, डेट लिखी जाएगी, इंसिडेंट लिखा जाएगा और आपकी कंप्लेंट के जो फैक्ट्स हैं वो उसमें लिखे जाएंगे। तो उसको FIR कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और वो एक लीगल पेपर होता है। जब वो FIR कट जाती है तब आप पे पुलिस लीगल कार्रवाई करना शुरू कर देती है। ठीक है, जमशेदपुर से जयप्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ, पूछिए जयप्रकाश जी। हेलो, हाँ बताइए। हाँ मैडम, ऐसा है कि 10/2/2017 को आदर्श नगर हाउसिंग सोसाइटी में हम लीगल ढंग से बाउंड्री रिपेयर का काम कराने जा रहे थे, वहाँ 6 व्यक्ति जो हैं वो हमको घेर कर हमारा जान लेने का कोशिश किए हमसे, और वो इसलिए कि हमसे 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई और हम रंगदारी देने से इनकार किए तो हमारा जान लेने का कोशिश किया गया, 20,000 रुपया मेरा छीन लिया गया और एक मोबाइल छीन लिया गया, FIR दर्ज हुआ जो जिसका थाना कांड संख्या 27/17 है, और इधर कोर्ट में जो दर्ज हुआ GR संख्या 368/17 है। ये 1.5 महीना से ज्यादा हो गया लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई पुलिस नहीं कर सकी है, सिर्फ आश्वासन छोड़ के एक आदमी को भी पकड़ा नहीं गया है। अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो आप एक काम कीजिए, एक बार कोर्ट में फिर एप्लीकेशन लगाइए कि पुलिस ने आपके केस में क्या कार्रवाई की, और उसके मुताबिक पुलिस स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेगी। मजिस्ट्रेट उनसे पूछेगा कि इस केस में आपकी कार्रवाई क्या है, लिखित में आप लिख के दीजिए, तो वो सारा का सारा काम शुरू हो जाएगा। दूसरा ये है, आप बड़े अधिकारियों से जाके मिलिए, अगर पुलिस तब भी कार्रवाई नहीं करती तो पुलिस का एक डिपार्टमेंट है, विजिलेंस डिपार्टमेंट, आप ऐसे अधिकारियों की वहां शिकायत कर सकते हैं, और अगर बिजनेस में शिकायत करेंगे या कोर्ट में जाएंगे तो आपके केस में कार्रवाई जरूर होगी, जरूर होगी। बिल्कुल राजीव जी, जैसे कि हम कॉमन कंप्लेंट्स की बात कर रहे थे, पुलिस अक्सर FIR लॉज नहीं करती है, FIR लॉज कर दी तो कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन बहुत सारे मामलों में ये भी देखा जाता है कि पुलिस अपने हिसाब से मामले को मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करती है, उसमें आप क्या कर सकते हैं? जैसे अगर कहीं पे आपके साथ कोई स्नैचिंग हो जाती है, मान लीजिए आपका अगर मोबाइल कोई छीन कर भाग गया, तो दबाव ये बनाया जाता है कि गुमशुदगी की रिपोर्ट हम लिख लेते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है कि उनको ये दिखाना, कई बार दिखाना होता है कि हमारे क्षेत्र में अपराध कम है, या चाहे मोबाइल स्नैचिंग दिखाएंगे तो उनको ये लगेगा कि उनके एरिया में अपराध ज़्यादा हो रहा है, तो वो उस संख्या को दिखाने के लिए और कई बार अपना बर्डन भी ढीला करने के लिए, पुलिस की मुझे इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, परेशान होना पड़ेगा, दौड़ भाग करनी पड़ेगी, इस चक्कर में भी पुलिस वो कई बार उसके अपराध मैनिपुलेट कर सकते हैं। वो कुछ पुलिस अधिकारी मैनिपुलेट कर लेते हैं और ये फैक्चुअल बात है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन उनको करना नहीं चाहिए, लेकिन वो करते हैं। तो ये सब तो फिर पुलिस के हाथ में हो गया कि अगर मामला भी आपका, आपके साथ क्या घटना हुई वो भी सही तरीके से अगर दर्ज नहीं होगी तो फिर आपके पास क्या रास्ता है? उसके बाद 2 रास्ता है, या तो आप कोर्ट में अप्रोच कीजिए, और कई बार हीनिस क्राइम को भी मैंने देखा है कि बहुत हीनिस क्राइम हो गया, कहीं रॉबरी हो गई है, कहीं लूट हो गई है, तो पुलिस उसको भी चोरी का मामला बना देती है, हाँ, और अपने हिसाब से लिख देती है। तो ऐसे में आप हाईकोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, और जो FIR अगर आपकी गलत लॉज की है तो उस FIR को ठीक करने के लिए प्रॉपर सेक्शन में FIR लिखी जाए, और जो एक्चुअल आपके साथ घटना घटी है उसी घटना पे कार्रवाई हो, उसके बारे में आप हाईकोर्ट जा सकते हैं और हाईकोर्ट आपको सुन सकता है। अगर हाईकोर्ट को लगेगा कि आपके फैक्ट्स ठीक है तो वो FIR करेक्ट भी कर सकती है और डायरेक्शन दे सकती है। ठीक है, मुंबई से हमारे साथ कॉलर जुड़ गई है रिया। रिया क्या जानना चाह रही हैं आप? हेलो, बताइए। जी हाँ, मैंने एक्चुअली मेरे डैड के खिलाफ कंप्लेन लॉन्च की थी पर उस पे कोई एक्शन नहीं हुआ। आपके डैड के खिलाफ? जी हाँ। ठीक है, किस चीज को लेकर? एक्चुअली मुझे घर पे आने जाने नहीं देते हैं, मुझे घर से निकाल दिया है, मैं पिछले 9 साल से रेंट पे रह रही हूँ और मुझे बहुत पीकर बहुत टॉर्चर करते हैं मुझे। तो आपने प्रॉब्लम, मेरी फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती, मेरी मॉम है नहीं। अच्छा, तो आपने FIR दर्ज करवाई है? जी हाँ, FIR दर्ज करवाई है। तो आपने FIR कैसे दर्ज कराई है? उसमें कोई FIR जो प्रॉपर FIR होती है, जो पुलिस का पर्चा होता है, वो कटा हुआ है या आपने अपनी लिखित का शिकायत की है? इस दोनों चीजों में डिफरेंस है। लिखित कार्रवाई है। हाँ, लिखित कार्रवाई की है, तो जब तक आपकी FIR दर्ज नहीं होगी तो वो आप पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती है।
आपने कंप्लेंट दी है, कई बार पुलिस करती है कि वेरीफाई कर लेती है फैक्ट्स को, तो वो हो सकता है आप पुलिस वेरीफाई कर रही हो, आप इंतजार कर लीजिए वैसे, और जब लगेगा कि आपका जो बात ठीक है और आपके खिलाफ कोई आपके डैड ने क्राइम किया है तो पुलिस प्रॉपर सेक्शन में उसको FIR में कन्वर्ट करके कार्रवाई कर लेगी, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, तब भी नहीं है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, 156(3) का प्रोविजन है, मजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेंट लिखा सकते हैं, अपनी बात को कंप्लेंट में लिखकर कह सकते हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तब कोर्ट देख लेगी और संज्ञान ले लेगी अपने आप। तो कोर्ट फिर डायरेक्ट करेगी पुलिस को कि वो एक्शन ले। बिल्कुल ठीक है, उत्तराखंड से विनोद जी हैं इस वक्त हमारे साथ, विनोद जी पूछे। विनोद जी, अच्छा ये बताइए राजीव जी, धाराएं कौन तय करता है, क्योंकि हर किसी को कानून की समझ तो होती नहीं है, जो एक आम आदमी अगर जाएगा पुलिस थाने तो वो तो अपनी कंप्लेन लेकर जाएगा कि मेरे साथ ये घटना हो गई है, ये वाकया हो गया है, ये वारदात हो गई है या ये परेशानी है, ठीक है आप एक FIR लॉन्च कर लीजिए, क्या सेक्शंस लगेंगे, क्या धाराएं लगेंगी, ये काम पुलिस का ही है, पुलिस ही तय करेगी? नहीं देखो, हमारी एक इंडियन पेनल कोड है, उसके अंदर बाकायदा सेक्शन लिखे हैं कि अपराध की श्रेणी कैसी होती है, अगर अपराध है तो उसका नेचर कैसा है और कौन से अपराध पे किस अपराध को किस धारा के तहत रखा गया है। जब आपकी शिकायत आती है तो आपके जो कंटेंट्स हैं, FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो भी सबसे पहले जो नेचुरल इंसिडेंट होते हैं वो लिखे जाते हैं, जो वो इंसिडेंट आपके सामने आएंगे या पुलिस के सामने आएंगे तो पुलिस तय कर लेगी, देख लेगी इस व्यक्ति के साथ किस प्रकार का अपराध हुआ है, वो अपराध किस श्रेणी में आता है। तो इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंग देखते हुए और जो आपके साथ घटना हुई है, जो अपराध हुआ है, पुलिस देखते हुए तब वो तय करती है। ठीक है, मुंबई से शिव प्रकाश जी हमारे साथ, शिव प्रकाश जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी नमस्कार, मैं शिव प्रकाश तिवारी मुंबई से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, बताइए। जी मैडम, ऐसा है कि मैं एक NGO चलाता हूँ, NGO का सेक्रेटरी हूँ, मैंने NGO के थ्रू बहुत सारे घोटाले बॉम्बे में ओपन किए हैं, BMC के अल्टरनेट घोटाला, फर्जी दस्तावेज तैयार करके कुछ अधिकारियों, BMC के अधिकारियों से साठ काट करके दलाल और लाभार्थी इन लोगों ने डुप्लीकेट बुकर फोटो पास बनवाया है, ऐसे करीबन हजार झोपड़ों के जी दस्तावेज पे सारा जो फोटो पास बनवाया गया है। इस बारे में हमने ITI से सारा दस्तावेज निकाल के और उस आधार पे हमने यहाँ कमिश्नर से लिख के सभी को शिकायत दर्ज की लिखित में, लेकिन 8 महीने के ऊपर हो गया है, इस अभी तक मुझ पर FIR नहीं ले रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि हम FIR ले रहे हैं, ओपिनियन ले रहे हैं या फिर हम डिपार्टमेंट से डॉक्यूमेंट्स मंगा रहे हैं, जबकि ललिता वर्सेस उत्तर प्रदेश केस है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें ऑर्डर है कि पहले FIR लो या फिर 7 दिन के इंक्वायरी करने के 7 दिन में आप अपना FIR लॉन्च करना चाहिए, ठीक है, तो उस बेस पे भी हमने शिकायत दर्ज की। हाँ। तो कुछ हो नहीं रहा, क्या करेंगे? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करता हूँ, पुलिस कई बार जब बहुत बड़ा स्कैम होता है या बहुत बड़े धांधलेबाजी होती है तो पुलिस उस केस में कोई उदासीनता का रवैया अपनाती है, कार्रवाई नहीं करती है और आम कंप्लेंट को धक्के खाने पड़ते हैं, ये प्रैक्टिकली फैक्ट है और इस बात को हम एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप दो काम कर सकते हैं, ललिता प्रसाद वर्सी यूपी स्टेट ऑफ यूपी के बारे में बताया, आप उसके तहत आप अधिकारियों को कंटेम्प्ट का नोटिस दे सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है, और या हाई कोर्ट में प्रॉपर मैटर की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी क्राइम ब्रांच से, किसी स्पेशल एजेंसी से करने के लिए रिट फाइल कर सकते हैं, और नहीं तो मजिस्ट्रेट के पास आप 156(3) के प्रोविजन के तहत आप कंप्लेंट डालिए, आप पे कार्रवाई जरूर होगी, अगर आपके फैक्ट्स जेन्युइन हैं, अच्छे तरह से लिखे हैं और पूरे कॉरोबरेट होते हैं तो आप पे 100% कार्रवाई होगी, आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है कोर्ट जाने के लिए पर आप जरूर जाइए। ठीक है राजीव जी, चलते चलते बहुत जल्दी से बस ये जानना चाहते हैं कि FIR से जुड़े जो आपके अधिकार हैं उनके तहत किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे बड़ी बात पर FIR की, आपको जब भी कंप्लेंट देने जाएंगे तो आपको रिसीविंग पुलिस को देनी ही पड़ेगी, पुलिस रिसीविंग नहीं देती है तो आप पुलिस की कंप्लेंट कर सकते हैं। दूसरा, पुलिस को आपको FIR की कॉपी देनी पड़ेगी, FIR आपका अधिकार है और आपके खिलाफ कोई अपराध का होना पाया जाता है, कोई क्राइम होता है तो पुलिस उस केस में केस रजिस्टर्ड करने के लिए बाध्य है, कानून के तौर पे पुलिस आपको हड़का नहीं सकती, अपने तरीके से आपकी जो फैक्ट्स हैं उसको तोड़ मोड़ करके आपकी FIR को गलत
सेक्शन में दर्ज नहीं कर सकते। घटना के कितने समय सीमा के अंदर आपको एफआईआर दर्ज करवा लेनी चाहिए? जितनी जल्दी 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आप सही बात सबसे पहले पुलिस पहुंच जाते हैं, पुलिस में अप्रोच करते हैं, तो ये माना जाता है कि वो आपका वर्जन बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर नहीं है, अगर आपको डिले हो गई है कि और कारण है, तो बाद में ही पुलिस में जा सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ी डिले होगी तो आप पुलिस में कंप्लेंट नहीं दर्ज करा पाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी यहाँ पर आने के लिए और इस कानूनी सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।